अभी भारत के लिए बड़ा चिंता का समय चल रहा है एक तरह से। क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पड़ोसियों से कोई खास अच्छे संबंध नहीं है। वो हाल उसी तरह का है, एक पड़ोसी आपके इस तरफ रहता है, एक पड़ोसी आपके गांव में इस तरफ रहता है, और आपकी दोनों से कोई खास बन नहीं रही है। दोनों एक तरह से आपको बर्बाद करने ही, यानी कि आपसे दुश्मनी करके बैठे हुए हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब हो जाती है जब वो दोनों एक हो जाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि अलग अलग हैं दोनों, और ये इसकी इससे नहीं बन रही है, और आपके जो भी दुश्मन है दोनों अलग अलग हैं, तब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब आपके दोनों पड़ोसी आपके दुश्मन हैं और वो दोनों दोस्त हैं। समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? आप देख रहे होंगे कि अभी चाइना से कोई खास हमारे अच्छे संबंध नहीं है। आपने देखा होगा लद्दाख वाले रीजन में अभी आपकी झड़प भी हुई थी। यहाँ लद्दाख की बात कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश ही है। लेकिन आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली जैसी विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में नहीं होगी। तो इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ आपने देखा होगा कि अभी झड़प भी हुई थी, हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे वहां। और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान तो खैर छोड़िए, अभी आपने देखा होगा कि नया मैप्स जारी किया हुआ था उसने, जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़ और पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख को अपना बताया। आप समझ रहे हैं? नेपाल को भी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले से इससे भी हमारे कुछ खटास संबंध चल रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका से देखेंगे आप कोई खास अच्छे संबंध नहीं है। बांग्लादेश से समय समय पर एक तरह से आपकी बात होती रहती है, बिगड़ती रहती है। ठीक है, भूटान से ठीक है हमारे अच्छे संबंध है अभी। तो कारण क्यों बने हुए हैं चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया, ये भी आपका, म्यांमार भी आपका पड़ोसी ही है। ठीक है, और ये भारत है, और भारत में कितने राज्य हैं ये आप लोग अभी लिखिए नीचे, करंट में अभी कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत को इस समय सीमा पर चीन और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के दोहरे संयोजन का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में भारत को सीमा पर दोहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ आप जहां देखेंगे भारत को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे छदम युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने के साम्राज्यवादी उद्देश्यों से प्रेरित चीन चिंता का विषय बना हुआ है। आप देखते होंगे आए दिन आतंकी हमले सुनते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती रहती है आतंकवादियों की। और चीन में आपने देखा है क्या है, एक समय अंग्रेजों की जो नीति हुआ करती थी कि विस्तार करने की, वही आजकल चाइना की नीति हो चुकी है। आप देखेंगे चाइना की जितनी भी सीमा जितने भी राज्य देशों से लगती है तो उतने से ही उसका विवाद चल रहा है। हमारे देखेंगे आप लोग तो इसमें आप अरुणाचल प्रदेश को देखिए, वो कहता हमारा अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम के पास वो अपना कब्जा दबदबा रखने की बात करता है, लद्दाख के पास आपने देखा होगा कितने दिनों से झड़प चल रही है, अभी भी कुछ अच्छा कोई समाधान नहीं निकला हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? और पाकिस्तान का तो हाल आप समझ रहे हैं कि कितने बुरे रिश्ते चल रहे हैं अभी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से आप समझ सकते हैं कि सबसे निचले स्तर पर हमारे संबंध बने हुए हैं। जहां पाकिस्तान के साथ भारत का पहले भी युद्धों में सामना हुआ है, जहां हर बार भारत को विजय प्राप्त हुई है, परंतु चीन के साथ हुए 1962 के युद्ध की कड़वी यादें भी, जहां भारत को युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था। आपने देखा होगा 1962 का चीन और भारत के बीच एक तरह से युद्ध हुआ था, इसमें भारत की पराजय हुई थी। अब इसके कई कारण हैं, कोई कहता है कि नेहरू जी जिम्मेदार थे, कई लोग किसी तरह की बातें करते हैं, हम लोग इस पर नहीं जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, पाकिस्तान की कहते हैं कि पाकिस्तान को अलग करने में गांधी जी का हाथ था, तो मैं उस बार बात ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उस स्थिति में आप भी होते तो शायद आप भी वही निर्णय लेते जो गांधी जी और नेहरू जी ने लिया था। ठीक है, अब इसके लिए क्यों बोल रहा हूं ऐसा, अगर आपने फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से, यूनिवर्सिटी से अगर इतिहास पढ़ा है तो आप अपनी जगह सही हैं और मैं अपनी जगह सही हूँ। अगर आपने कोई स्पेशल बुक्स पढ़ी हुई है तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। दूसरी बात करें 1962 का, जैसे ही हम लोग युद्ध हारे, हमारी पराजय हुई, तो पाकिस्तान को लगा कि अब भारत कमजोर हो चुका है। तो आपने देखा होगा 1965 और 1971 दो बार पाकिस्तान से भी हमारी एक तरह से आमना सामना हुआ। वैसे तो हमेशा ऐसा होता रहता है, लेकिन ये दो काफी अच्छे वो रहा, लेकिन दोनों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। फिर आपने कारगिल में भी देखा है मुंह की खानी पड़ी,
और इंदिरा के गांधी के समय में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी साहब ने, एक आपका बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। परंतु आज बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत द्वारा चीन तथा पाकिस्तान की युग्मित तनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक बात और, आप लोगों ने देखा होगा राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम लोग अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं। आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब ऐसा है कि हम पाकिस्तान को, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को यहां से उठा के अमेरिका कहां कहीं बाहर फेंक दूं। आज नहीं, कल परसों आने वाले कई सालों बाद हमें पाकिस्तान से समझौता करना होगा, चीन से हमें बैठक करनी होगी, संबंध अच्छे रखने होंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं होता है। एक आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात देखी होगी, जब गांव में दो लोगों में लड़ाई होती है, मारपीट जो भी, कट फिट जो भी हो जाता है, लेकिन लास्ट में क्या ऑप्शन निकलता है? राजीनामा, समझौता। तो उसी तरह से पाकिस्तान हो, फिर कोई भी देश हो, बीच का रास्ता हमेशा निकलता है, ठीक है। अब भारत से ने देखा होगा आपने कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी पाकिस्तान से काफी अच्छी बात हुई है। नरेंद्र मोदी साहब आए थे आपके प्रधानमंत्री जब बने, तो उन्होंने भी बात की, करने की कोशिश की है। लेकिन वह कहते हैं ना कि एक बुंदेलखंड में बहुत अच्छी कहावत है, कुत्ते की पूंछ पुंगैया में डाली और जब निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। कहने का मतलब है कि कुत्ते की पूंछ को आप सीधा नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो वही हाल किसका है? पाकिस्तान का है कि वो अपने कामों से एक तरह से, आप समझिए, हर बार उसे हार का मुंह देखना पड़ता है, फिर भी एक तरह से सुधरने का नाम नहीं लेता है। भारत व पाकिस्तान तनाव का संक्षिप्त अगर विवरण की बात करें तो भारत व पाकिस्तान एक साथ विश्व के मानचित्र पर नवीन तथा स्वतंत्र देशों के रूप में उभरे। इन दोनों दोनों की स्वतंत्रता के साथ ही तनाव भी प्रारंभ हो गया है। ये आपकी 1947 की बात कर रहा हूं मैं। सर्वप्रथम 1948 में जम्मू कश्मीर का मुद्दा, उसके बाद आपने देखा है बांग्लादेश का मुद्दा, कारगिल का तनाव, आतंकवादी की समस्या, सिंधु जल विवाद, इस प्रकार के कई तनाव इस इन दोनों देशों की मध्य, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत का पाकिस्तान कई बार प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में एक दूसरे के सामने भी आ चुके हैं। आपने देखा होगा 1948 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और कारगिल की लड़ाई, इसमें आप देखेंगे। परंतु तब से आज परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी हैं। आज यह दोनों देश परमाणु आयुध संपन्न देश हैं। एक बात याद रखिए, परमाणु आयुध यानी कि परमाणु हथियार होने का मतलब होता है कि दोनों, आप अगर किसी को मारते हैं तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे और वो देश भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे बड़ी अच्छे से एक तरह से निर्णय लिया जाता है, आप समझ रहे हैं, कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है, इसलिए चिंता का कारण बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई बार विभिन्न देशों द्वारा शंघाई सहयोग संगठन, दक्षेस, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी द्वारा इन दोनों देशों के मध्य शांति वार्ता बहाल करने के प्रयास भी किए गए हैं। भारत द्वारा कई बार शांति प्रयास बहाल करने के पहल किए गए, परंतु पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में सेना का बढ़ता प्रभाव, आतंकवाद की समस्या, लोकतंत्र का अभाव इत्यादि ने इन शांति वार्ताओं को सफल होने में कई अड़चनें पैदा की हैं। एक तो सबसे मालूम बात पता है क्या है, कि यही मालूम नहीं चलता है कि कोई नेता चला रहा है वहां एक तरह से देश को, या सेना चला रही है, आप समझ रहे हैं। कई बार देखने को मिलता है कि सेना ही तख्ता पलट कर देती है और सेना वहां के नेताओं की बात ही नहीं मानती है, ना तो प्रधानमंत्री साहब की मानती है ना राष्ट्रपति साहब की मानती है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कुछ और वादा कर दिया और सेना ने कुछ और करने में उतारू हो गई। इस प्रकार भारत तथा पाकिस्तान के मध्य तनाव समाप्त ना हो सका तथा वह आज भी छुटपुट विवादों के रूप में दृष्टिगोचर हो जाता है। इसका उदाहरण हाल ही में देखा, जब भारत ने जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति परिवर्तित की तब पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुखर रहा है। 370 हटाने की बात कर रहा हूं उसी पर। अगर भारत और चीन के बीच अगर विवाद की बात करें तो भारत एवं तथा चीन की सभ्यता है और इस विश्व में सबसे पुरानी है, यानी कि कहने का मतलब है भारत और चीन की सभ्यता या इतिहास बहुत पुराना है। यह दोनों देश लगभग एक साथ ही स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता के उपरांत 1962 तक दोनों देशों के मध्य संबंध बेहतर रहे, परंतु 1962 में चीन की साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। इस समय तिब्बत के दलाई लामा के शरणार्थी दर्जा प्राप्त करने, चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में विस्तारवादी नीति, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों द्वारा भारत सुरक्षा प्रदाता के रूप में दिखना, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों पर अपना अधिकार बताना इत्यादि भारत और चीन के मध्य तनाव का कारण बना हुआ है। एक बात और आपको बताऊं कि आप देखेंगे ये तिब्बत वाला मामला है,
ये क्या है, तिब्बत वाला क्षेत्र है। पहले तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं हुआ करता था और हमारी सीमा डायरेक्ट चाइना से नहीं लगती थी, लेकिन तिब्बत पर जैसे ही एक तरह से अधिकार जमाया चाइना ने, हमारी सीमा चाइना से लगने लगी। ठीक है, ये आप देखते हैं यहाँ। और इसमें अगर परंपरागत रूप से यह समझा जाता है कि चीन की सेना भारत से अधिक ताकतवर होगी, परंतु हाल ही में हुए सीमावर्ती तनाव और 2017 में हुए डोकलाम विवाद में भारतीय सेना ने अपनी जीवटता का प्रदर्शन करते हुए चीन को विस्तार नहीं करने दिया है। 2017 में आपने देखा होगा, डोकलाम में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने हो चुकी थी, फिर आपने देखा होगा दोनों पीछे हट गए थे। और अभी लद्दाख में आपने देखा है, झड़प में हमारे 20-22 सैनिक शहीद हुए, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे दुगने चाइना के सैनिक भी मारे गए थे। ठीक है, 1962 से आज तक स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। भारत तथा चीन दोनों ही परमाणु आयुध संपन्न देश हैं और चीन आज क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहता है। और ऐसी स्थिति में चीन की साम्राज्यवादी विचारधारा का भारत की लोकतांत्रिक विचारधारा और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत के साथ टकराव हो सकता है। चीन तथा पाकिस्तान दोनों ही भारत के पश्चिमी, उत्तरी और तथा उत्तर पूर्वी सीमाओं से लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में चीन तथा पाकिस्तान के रूप में भारत को सीमाओं पर दोहरे संयोजन का सामना करना पड़ रहा है। एक बात और आपको बताऊं, ऐसा माना जाता है कि 21वीं सदी भारत और चाइना की, विशेषतर एशिया की सदी, इनमें आप देखेंगे भारत चाइना की सदी कहा जाता है। और लेकिन आप समझ रहे हैं, क्योंकि इनके दोनों देशों के पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और आप समझिए कि बाजार है, तो आप सोचिए सबसे ज्यादा एक तरह से ऊपर उठने की, विकसित होने की व्यवस्था भी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों में टकराव है, कोई अच्छे संबंध भी नहीं है और इसका फायदा कोई तीसरा उठा रहा है। अगर आप समझ सकते हैं कि भारत और चाइना मिल जाए, एक हो जाए और यहाँ शांति एशिया में बना ले, तो पाकिस्तान को भी एक तरह से आप समझिए अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? भारत को समस्याओं की बात करें, परंपरागत रूप यह माना जाता है कि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना से अधिक ताकतवर नहीं है, परंतु आज पाकिस्तान भी परमाणु आयुध संपन्न है तथा चीन के साथ उसकी सम्मिलित शक्ति भारत के माथे पर चिंता की लकीरें ला सकती है। हाल के कुछ समय में इन दोनों देशों के मध्य नजदीकी बढ़ रही है। HCO के मंच पर रूस द्वारा भारत की सदस्यता प्रस्तावित करने के उपरांत चीन ने पाकिस्तान को सदस्य के रूप में प्रस्तावित किया है। आपने देखा होगा एक आतंकवादी अजहर मसूद, मैं आपने देखा होगा उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े भारत को। हर बार क्या करता था चाइना क्या करता था कि वीटो शक्ति कर देता था। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का पूरा सहयोग कर रहा है एक तरह से चाइना। चीन की BRI योजना में चीन पाक आर्थिक गलियारा जो POK से गुजरता है, भारत की अखंडता के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि यहाँ POK वाला हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, यहाँ जो आपकी नई परियोजना चीन और की चल रही है, तो वो यहाँ से गुजर रही है। आप यहाँ से गुजरती गई तो आप समझ सकते हैं कि भारत को के लिए चिंता का कारण भी बना हुआ है। चीन द्वारा नव उपनिवेशवादी नीति के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देशों यथा नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार में आर्थिक विकास करके अपना प्रभुत्व बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ चीन मालदीव और श्रीलंका इत्यादि देशों तक अपनी पहुंच स्थापित करके हिंद महासागर में अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। हिंद महासागर तथा भारत के पड़ोसी देश दोनों ही भारत के लिए अत्यंत रणनीतिक महत्व रखते हैं। यहाँ चीन की पहुंच भारत के लिए रणनीतिक रूप से उचित नहीं है। एक बात और याद रखिए, आप समझते होंगे कि वो नेपाल आपका हमारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहता था, हमारी गोद में बैठा रहता था। आप समझ रहे हैं, एक भाई की तरह हम लोग मदद भी करते थे उसकी, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि वो भी चाइना की गोद में बैठ चुका है। पाकिस्तान तो पहले से ही बैठा हुआ है और आजकल चाइना की भाषा भी बोल रहा है नेपाल। समझ रहे हैं आप लोग? 2017 में चीन द्वारा भूटान के क्षेत्र में पड़ने वाले डोकलाम नामक स्थान पर निर्माण कार्य आरंभ किया गया था। और डोकलाम नामक स्थान भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर अथवा चिकन नेक के अत्यंत पास है। तो यहाँ से भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत के अन्य क्षेत्रों से जोड़ता है। डोकलाम पर चीन की पहुंच भारत के लिए रणनीतिक रूप से सही नहीं थी और भारत भूटान के सैन्य मामलों के लिए सहयोग करने के लिए संधि कर चुका है। इस स्थिति में भारत तथा चीन के बीच तनाव उत्पन्न हो गए थे। और यहाँ यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि भूटान एकमात्र ऐसा देश है था जिसने भारत के साथ BRI सम्मेलन में ना जाने का निर्णय लिया था, इसीलिए तो आप कहते हैं कि भूटान काफी हमारे अच्छे संबंध है। पाकिस्तान स्वयं को इस्लामिक देशों में सम्मिलित करता है
और तथा वह इस्लामिक सहयोग संगठन में भारत के विरुद्ध गठजोड़ करता रहता है। हाल ही में जब भारत द्वारा जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति यानी कि 370 हटाया गया, तब पाकिस्तान द्वारा इस मुद्दे को इस्लामिक सहयोग संगठन में उठाया गया था, जिसके संदर्भ में इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा भारत के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया गया था, और इस प्रकार यह भारत की कूटनीति के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। इन चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भारत द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम हैं, भारत ने क्या किया है? तो भारत में लोकतंत्र, शांतिपूर्ण सहस्तित्व, वसुधैव कुटुंबकम जैसे सिद्धांत माने जाते हैं। चीन तथा पाकिस्तान दोनों ही स्थानों पर लोकतंत्र महत्वहीन है, और अतः चीन तथा पाकिस्तान के कदम वहां की जनता की आकांक्षाएं ना होकर के मात्र राजनेताओं की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसके साथ ही विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देश तथा विकसित देश भारत के प्रति सहयोग का रवैया रखते हैं। आप लोग जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में आप समझिए कि जनता के प्रति नेता काफी जवाबदेह रहते हैं, जितने भी रहते हैं फिलहाल रहते तो हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप देखते होंगे कि क्या स्थिति है, लोकतंत्र के नाम पर एक तरह से धब्बा है। यही हाल आप लोग चाइना में देख सकते हैं, यहाँ बोलने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, अगर बोलते हैं तो या तो आपको मार दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। ये अलग बात है कि भारत की भी लोकतंत्र में आप देखते होंगे जब भी इंडेक्स आते हैं तो हमारी कोई खास अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी है कि वही है कि ज्यादा में से कम हमारी अच्छी स्थिति काफी इन पड़ोसियों से काफी हमारी अच्छी स्थिति है। ठीक है, भारत की सेना अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सक्षम भी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को प्रत्यक्ष युद्ध में पराजित किया, और हाल ही में हुए चीन के साथ तनाव में भी सेना ने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। भारत की सेना विश्व की मजबूत सेनाओं में से एक है, और तथा किसी भी परिस्थिति में युद्ध में सक्षम भी है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो विश्व की चुनिंदा स्पेस एजेंसियों में से एक भी है, और काफी आजकल आप देखेंगे इसरो काफी एक तरह से तरक्की भी कर रहा है, कई देशों को मदद भी कर रहा है। इसरो के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट सीमा पर हो रही गतिविधियों के प्रतिपल सूचना प्रदान करते हैं, यानी कि हर समय, जो भारत को एक रणनीतिक बढ़त देती है। इसरो के द्वारा ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल शक्ति का सफल प्रयोग किया गया, जो भारत की शक्ति को बढ़ा दबा देता है। ये ऐसा माना जाता है कि अब अंतरिक्ष युद्ध होंगे, कहने का मतलब है कि आप समझिए कि हमारे पास शक्ति एक सैटेलाइट हो चुका है, एंटी सैटेलाइट, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, चाइना के सैटेलाइट को खत्म कर दें, तो एक तरह से चाइना का काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे युद्ध देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। भारत एक परमाणु आयुध संपन्न देश है, परंतु भारत की नीतियां और सिद्धांत इसे एक विश्वसनीय देश का दर्जा देते हैं। भारत में परमाणु हथियारों के संदर्भ में नो फर्स्ट यूज की नीति का स्वीकार की गई है, उसका पालन भी किया गया है। कहने का मतलब है कि पहले हम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे, अगर कोई हमारे ऊपर इसका उपयोग करता है, हमारे ऊपर परमाणु हथियार का प्रयोग करता है, तो हम लोग जवाब में जरूर करेंगे। ठीक है, भारत की संस्कृति तथा विभिन्न धर्मों के साथ सद्भाव की नीति इस संपूर्ण विश्व में एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करती है, जो भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बढ़ाता है। आप देखेंगे हमारी जब भी विदेश नीति का निर्धारण होता है तो हम लोग बुद्ध भगवान के, एक तरह से जैन भगवान मतलब महावीर स्वामी को, कई आप समझिए उस समय के, आप समझ सकते हैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं मैं, उनके विचारों को भी हम लोग हमारी विदेश नीति में की झलक में आप दिखाई देगी उनकी विचारधारा, आप समझ। वर्तमान समय में भारत का संबंध अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों के साथ बेहतर भी है। भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए क्वाड आज विश्व के शक्तिशाली संगठनों में से एक है। भारत दक्षिण का एक महत्वपूर्ण देश भी है, और बिम्सटेक का नेतृत्व भी करता है भारत। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता का नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व का कार्य भी किया जाता है, और जिससे भारत की कई देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, यह भारत के बढ़ते वैश्विक कद का सूचक है। आपको बताना है, नीचे कमेंट में लिखना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनी बार चुना गया है, ये कौन सी बार चुना गया है, तो नीचे आप लोग लिखिए। कई बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, भारत संप्रभुता तथा अखंडता से कोई समझौता नहीं करता है, और इसी दृष्टिकोण में बजट का एक हिस्सा सीमा प्रबंधन और सस्तागार को बढ़ाने के लिए किया दिया जाता है। और लास्ट में आप कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि यज्ञ भी भारत के प्रमुख दूरी चुनौती है, परंतु भारत अपनी सैन्य शक्ति, अपने सिद्धांत, अपनी स्वास्थ्य पावर डिप्लोमेसी के द्वारा इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक निदान करने में सक्षम है। इसके साथ ही आज संपूर्ण विश्व यह सब चुका है, समझ चुका है कि नाभिकीय शास्त्रों के दौर में
दौर में किसी भी प्रकार का युद्ध मानवता के विनाश के लिए उत्तरदायी हो सकता है, जिसका एक उदाहरण हमने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था। 1945 की बात कर रहा हूं, द्वितीय विश्व युद्ध की। इस प्रकार सभी देश अपने तनाव को शांत करने के लिए वार्ता कथा अनौपचारिक चैनलों का प्रयोग करते हैं। भारत भी शांति वार्ताओं तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग का पक्ष कर भी है। एक बात और आपको बताऊं यहां कि अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री साहब और चीन के जो राष्ट्रपति साहब हैं एक तरह से, उनके बीच वार्ता भी हुई थी, समझ रहे हैं आप लोग, प्रधानमंत्री के बीच। अतः हम कह सकते हैं कि यज्ञ भी भारत की प्रमुख देख ही चुके हैं हम लोग। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं हम लोग, सामान्य अध्ययन प्रश्न पेपर 2 से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह की वार्ता होती रहती है, पाकिस्तान से चाइना से भली हमारे बुरे रिश्ते हों, लेकिन समय आने पर इनसे भी हमें वार्ताएं करनी होगी और शांति बनाए रखना होगा और मिलजुल कर काम करना होगा। एक बार और आप लोग देखिए, आप समझिए कि अगर हमें हमारे चाइना और पाकिस्तान से अच्छे संबंध हो जाते हैं, अफगानिस्तान जाना है, तजाकिस्तान जाने, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान या फिर आप कजाकिस्तान, इस तरफ हमें जाना है तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अभी आप जानते हैं पाकिस्तान पीओके वाले हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, तो यहाँ से हम लोग नहीं जा पाते हैं और चाइना से कुछ खास हमारे अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए हम अभी कहाँ जाते हैं, आपने देखा होगा ईरान होते हुए इस तरफ जाते हैं, ठीक है। ईरान में हम लोगों ने देखा एक बंदरगाह का निर्माण भी किया है, चाबहार, ठीक है। चलिए, तो यही कहानी है आपके जो भी भारत को के सामने जो भी चिंता है उसकी, ठीक है।